जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 5 को लेकर आए हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का सेशन परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चल रहे हैं प्रश्न संख्या 1 पर। आज का पहला प्रश्न आपके रहा के स्क्रीन पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली, हिमालय। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला तो हो जाएगा भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। कहां पर मुख्यतः स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा भाग पूछा जाएगा। सबसे ऊंचा भाग तो गुरु शिखर यानी कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कहेगा तो भी अरावली पर्वत, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कहेगा तो भी अरावली पर्वत। कहां पे स्थित है? राजस्थान में। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा भाग पूछा जाएगा तो ये आपका गुरु शिखर में कहलाएगा, यानी इसका विस्तार पूछा जाएगा। विस्तार तो दिल्ली से पालनपुर तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, अरावली। नेक्स्ट देखिएगा, और एक प्रश्न यहां से हो जाएगा कि जो हिमालय है संसार का सबसे नवीनतम पर्वतमाला है, यह हो जाएगा आपका हिमालय संसार का सबसे युवा पर्वत। तो आप मारेंगे हिमालय नवीन पर्वत माला है। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान हडसन मोहाक घाटी स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो दो नदियां हैं दोस्तों। पहला तो ऑप्शन में देखेंगे, यदि ताप्ती है तो ताप्ती को मार देंगे, यदि यह नहीं रहेगा तो दूसरी नंबर की हो जाएगी नर्मदा, यानी भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली ताप्ती और नर्मदा। किलीमंजारो पर्वत स्थित है तंजानिया। कहां पे पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप। पंचशीर घाटी स्थित है अफगानिस्तान में, हडसन मोहाक घाटी स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ताप्ती नर्मदा। किलीमंजारो पर्वत स्थित है तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है,
एंडीज पर्वत उदाहरण है नवीन पर्वतमाला का, नवीन पर्वत माला का, एंडीज पर्वत उदाहरण है तो नवीन पर्वतमाला का। प्रश्न संख्या दो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दे रखा है भूपपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो भूपपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु पूछेगा, तो आप मारेंगे एल्युमिनियम धातु। यदि अधातु पूछेगा तो आपका होगा ऑक्सीजन। यदि उपधातु पूछेगा, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु, तो आपका होगा सिलिकॉन। यानी पृथ्वी या भूपपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम, और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु या तत्व ऑक्सीजन, उपधातु कहेगा तो सिलिकॉन, तत्व भी कहेगा तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। तो यहां पे पूछा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन ए होगा दोस्तों। सिलिकॉन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पृथ्वी पर उपधातु है। आगे ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में धातु, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम धातु। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु, अधातु पूछा है तो ऑक्सीजन O2। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, तो धातु कहेगा तो कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व मैग्नीज, यमयन। यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में धातु एल्युमिनियम, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु ऑक्सीजन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कैल्शियम, मानव शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज। अगला हो जाएगा दिया है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक, यौगिक बोलेगा तो जल H2O। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम FR। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व बोला है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन F, जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है दोस्तों, वह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। यहां पे दिया पीतल मिश्रण है, यानी पीतल किसका बना, तो इसका ट्रिक आप लोग को याद रखना है, पिताजी, पिताजी, पिताजी से हो जाएगा पीतल, पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा आपका तांबा, अजी से हो जाएगा जिंक। यानी पीतल किससे मिलकर बना है, किसका मिश्रण है, तो तांबा और जिंक का, जिसे Cu से कापर और Zn से जिंक, यह भी दिया रहेगा तो हम मार देंगे पेपर में। कांसा किसका मिश्रण है, तो इसका हो जाएगा ट्रिक दोस्तों CBT, यानी B से ब्रांज और आपका हो जाएगा C से कापर यानी तांबा और टी से हो जाएगा टीन। यानी तांबा और टीन से किस क्या बना है, तो कांसा बना है। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इसका ट्रिक याद रखिएगा CBT, जो हम लोग ऑनलाइन पेपर देते हैं उसका नाम होता है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसी को आप याद रखेंगे CBT। और बी से आपका ब्रांच, ब्रांच माने हो जाएगा कांसा, बीच में हो जाएगा कांसा, इधर अगल बगल जो होंगे कापर और टीन से मिलकर बना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दिया राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, इसको संक्षिप्त में बोला जाएगा, तो जो इसका अध्यक्ष, इसकी स्थापना दोस्तों 6 अगस्त
1952 में हुआ था। और कौन अध्यक्ष होता है? तो अध्यक्ष मारेंगे प्रधानमंत्री, अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और यह गैर संवैधानिक पद है, गैर संवैधानिक संस्था है, यानी यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पूछा जाएगा प्रधानमंत्री, तो यहां पे अध्यक्ष है, तो प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 में हुई थी नीति आयोग की स्थापना। यह योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाई गई, जो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी। और नीति आयोग का वर्तमान में सीईओ जो होगा बी.वी.आर. सुब्रमण्यम, यह किनके स्थान पे आया है पूछा जाएगा, तो परमेश्वरम अय्यर के, परमेश्वर अय्यर का स्थान लिया है। यानी पहले नीति आयोग के जो सीए थे बी.वी.आर. सुब्रमण्यम से परमेश्वरम अय्यर थे, उनका स्थान लिए हैं। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा जाएगा सुमन बेरी। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग में बदला गया था दोस्तों। वित्त आयोग, अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 280। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हैराड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? तो प्रथम पंच वर्षीय योजना की स्थापना हुई थी 1951 से, 5 साल चली थी 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, मॉडल वो आपका था हैराड डोमर मॉडल। प्राथमिकता किस पर दिया गया था? प्राथमिकता तो कृषि पर दिया गया था। लक्ष्य कितना का रखा गया था? तो 2.1% का लक्ष्य रखा गया था। और प्राप्ति कितनी की हुई? 3.6% की इसमें प्राप्ति हुई थी दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना स्थापना हुआ था, आरंभ हुआ था 1951 से 1956। मॉडल कौन मॉडल, किस मॉडल पर आधारित था? हैराड डोमर मॉडल। प्राथमिकता किसको दी गई थी? कृषि को। लक्ष्य क्या रखा गया था कृषि का? 2.1 प्राप्ति हुई थी, 3.6%। तो यहां पे हैराड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए। यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो पीसी, इनका आंसर हो जाएगा पीसी महा लनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित थे। नेक्स्ट देखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था सन 1971 में। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी उनके समय काल में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर, पहले तो इसमें दुर्गापुर इस्पात कारखाना, तो इसका हो जाएगा आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय
योजना। और दुर्गापुर कहां पे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना हुई थी, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सहायता से दुर्गापुर इस्पात कारखाना पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भिलाई इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था, तो भिलाई इस्पात ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसका समय काल 1956 से 1961, मॉडल पीसी महालनो 20 मॉडल था। और ये भिलाई वाला कहां पे स्थित है, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। राउरकेला इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, तो राउरकेला भी द्वितीय, राउरकेला द्वितीय पंचवर्षीय, पंचवर्षीय योजना। और राउरकेला कहां पे स्थापना किया गया था, उड़ीसा, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तीन ठो हमारी इस्पात कंपनी स्थापित की गई थी। पहला आप लोग का दुर्गापुर, तीसरा हो, दूसरा हो जाएगा भिलाई, तीसरा राउरकेला। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बोकारो आयरन इस्पात किस पंचवर्षीय योजना, तो बोकारो वाली में तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बोकारो वाली स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों, झारखंड में। किसकी सहायता से तीसरी वाली हुई थी, तो सोवियत संघ, रूस, सोवियत संघ की सहायता से बोकारो आयरन इस्पात की स्थापना किया गया था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना झारखंड में बोकारो स्थित है। भारत में योजना अवकाश अब तक कितनी बार हुआ है, तो तीन बार। पहली बार हुआ था 1966 से 1969, दूसरी बार हुआ था 1979 से 1980, और तीसरी बार हुआ था 1990 से 1992। यानी भारत में योजना अवकाश कितनी बार हुआ है दोस्तों, तो तीन बार, 1966 से 1969, 1979 से 1980, 1990 से 1992। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, ए रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 5, ए रहा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय नाट्य संस्थान कहां स्थित है, तो भारतीय नाट्य संस्थान जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, लखनऊ ऑप्शन में है, तो राष्ट्रीय 20 अनुसंधान पूछा जाएगा, राष्ट्रीय 20 अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान, तो 20 हो जाएगा, या राष्ट्रीय औषधि, राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान आएगा, तो भी इसकी भी स्थापना लखनऊ में। इन दोनों का आंसर लखनऊ होगा दोस्तों, और इसका भोपाल है, तो हो जाएगा राष्ट्रीय इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी संग्रहालय, इंदिरा गांधी संग्रहालय कहां स्थित है, संग्रहालय, तो आपका भोपाल। पुणे में क्या स्थित है, तो भारत फिल्म एवं टेलीविजन संस्था है, भारत की फिल्म एवं टेलीविजन संस्था, टेलीविजन संस्था स्थित है। यानी दोस्तों भारतीय नाट्य संस्थान कहां स्थित है पूछा जाएगा, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय 20 अनुसंधान संस्थान कहां, लखनऊ में। राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान कहां, लखनऊ में। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी संग्रहालय पूछा जाएगा भोपाल में। भारत की फिल्म एवं टेलीविजन संस्था कहां पे है, तो पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिएगा, संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है, तो नई दिल्ली।
इसकी स्थापना पूछेगा, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना तो 1953 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी कहां स्थित है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों, स्थापना किसने की? विलियम जोन्स। कब किए थे स्थापना? 1784 ईस्वी में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहां स्थित है? भोपाल में। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी कि दोस्तों संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है? नई दिल्ली में। कब स्थापना हुआ था? 1953 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स। कब किया था? 1784। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहां स्थित है? भोपाल में। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? तो भोपाल हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? देहरादून। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां है? कोलकाता। नेक्स्ट देखिएगा, दोस्तों क्लास नंबर 3 में विटामिन बी6 का नाम इधर उधर हो गया था, तो विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम होगा पैंथोनिक अम्ल और विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन।